हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ लाइट। देखिए फ्रेंड्स, नेचर ऑफ लाइट में ये बताया गया है इस टॉपिक में कि लाइट दो तरीके से बिहेव करती है। कभी कभी तो वो वेव जैसा बिहेव करती है, कभी कभी तो वो पार्टिकल जैसा बिहेव करती है। ठीक है, तो कुछ फिनोमेनास हैं जैसे कि डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा इसका। डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, इन फिनोमेनास को अगर आपको समझना है तो आप ये अज्यूम करके चलोगे कि लाइट कैसा बिहेव करती है, वेव्स जैसा। बट कुछ फिनोमेना है जो कि हमें भी पढ़ाया जाएगा क्लास 10th में। रिफ्लेक्शन है आपका, रिफ्रेक्शन है, ये जो फिनोमेना है इसे अगर आपको समझना है तो आप लाइट को क्या अज्यूम करके चलोगे कि लाइट किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनके स्मॉलेस्ट यूनिट को फोटोन बोला गया है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए वेव थ्योरी क्या बोलती है। वेव थ्योरी बोलती है लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है, वेव थ्योरी बोलती है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ही मिलकर बना हुआ है। बट पार्टिकल थ्योरी क्या बोलती है। पार्टिकल थ्योरी बोलती है कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसकी की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइट वेव नेचर की होती है, इसके क्या सबूत हैं आपके पास, क्या एविडेंस है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ फिनोमेना है जो लाइट शो करती है। डिफ्रेक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, इन फिनोमेना को लाइट फॉलो करती है। तो आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि डिफ्रेक्शन क्या होता है। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक्स हैं डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे। बट अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के लिए कि किस तरीके से लाइट का जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर है। मतलब लाइट नेचर भी है, लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो डिफ्रेक्शन क्या होता है। डिफ्रेक्शन इज द स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे आती है तो जब ऑब्जेक्ट के एज पे पहुंचती है तो जैसे ही वो एज के पास पहुंचती है वो स्लाइटली क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। आइए जरा मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। देखिए ये मेरे पास डिफ्रेक्शन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये डिफ्रेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो, देखिए ये लाइट वेव्स के फॉर्म में आ रही है और वेव्स का जो शेप है वो कैसा है, स्ट्रेट है। देखिए अभी तक स्ट्रेट है और आप ऐसे समझ सकते हो ये कोई रुकावट यहाँ पे है लाइट के लिए और यहाँ से यहाँ तक ये कोई रुकावट है, कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे बीच में एक गैप मिल गया है लाइट को। या आप बोल सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट का एज आ गया है यहाँ पे और यहाँ पे भी इसका एज आ गया। तो आप देख रहे हो जो शेप स्ट्रेट शेप था वेव्स का, अब वो कैसा हो गया, कर्व शेप हो गया। देखिए घूम गई, अभी स्ट्रेट आ रही है आप देख रहे हो, अब देखिए कैसा आ रहा है, ये कर्व शेप आ रहा है। ये देखिए जरा, ये कर्व शेप में अब आगे बढ़ रही है। अब आगे जो प्रोपगेशन हो रहा है लाइट का वो कौन से शेप में हो रहा है, कर्व शेप में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप देख सकते हो यहाँ पे एज पे ये कर्व शेप में हो गई। तो ये जो फिनोमेना है ये डिफ्रेक्शन है और आप इसको समझने के लिए आप लाइट को पार्टिकल नेचर अज्यूम नहीं कर सकते, आपको लाइट को एज अ वेव नेचर लेना होगा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी हुई, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इस फिनोमेना को शो करती है। तो यहाँ पे हम लाइट को क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अज्यूम करके चलेंगे। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इंटरफेरेंस क्या होता है। देखिए जरा ध्यान से, पहले हम इंटरफेरेंस की डेफिनेशन देखेंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना इन विच टू वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर, लोअर और द सेम एम्पलीट्यूड। देखिए फ्रेंड्स, एम्पलीट्यूड तो आपको पता ही होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। मैं आपको हल्का सा ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूं अगर आप भूल गए हो। ठीक है, ये देखिए जरा, ये मान लीजिए कोई वेव है तो वेव्स अपने मेन पोजीशन के या तो टू एंड फ्रो लॉन्गिट्यूडनली या तो वर्टिकली वाइब्रेट करती है। ठीक है ना, या तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होंगे या तो कैसे कैसे होंगे, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है, ये वर्टिकल वाइब्रेशन है। ठीक है ना, तो वेव का जो पीक पॉइंट होता है, ठीक है, वहां से ये जो इमेजिनरी एक्सेस होती है, इसकी जो डिस्टेंस होती है, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास एक वेव है और मेरे पास एक ये वेव है। ठीक है, तो दोनों में से
एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, नीचे वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से क्या बोला जा रहा है, इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना इन व्हिच टू वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म अ रिजल्टिंग वेव ऑफ ग्रेटर लोअर और द सेम एम्पलीट्यूड। इसको देखिए डायग्राम से हम समझते हैं इंटरफेरेंस को। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहां पे दो वेव्स हैं, ये मेरे पास एक ग्रीन वेव्स है जो लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये यहां पे कट लगा दिया गया ताकि आपको समझ में आए, ये लेफ्ट ट्रेवल कर रही है और ब्लू वाली देखिए, ब्लू पे ये कट लगा हुआ है, ये राइट ट्रेवल कर रही है, ये देखिए जरा, ठीक है, ये देखिए, ये ग्रीन लेफ्ट में और ब्लू राइट में। तो हम बोलेंगे कि ये दो वेव्स सुपरपोज होंगी, ठीक है ना। अब जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों वेव्स का, एक रिजल्टेंट आएगा वो आप देख सकते हैं। देखिए ये हायर एम्पलीट्यूड का आ रहा है, ब्लू वाली का एम्पलीट्यूड इतना है और ग्रीन वाली का एम्पलीट्यूड इतना है, लेकिन देखिए रेड वाली जो रिजल्टेंट आ रही है इन दोनों की, उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों से ज्यादा है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस। जब दो वेव्स सुपरपोज होती हैं और जिनका रिजल्टेंट वेव एक नया वेव आता है और उसका एम्पलीट्यूड या तो इन दोनों से कम हो सकता है या तो ज्यादा, कम कब होता है ज्यादा कब होता है ये सारी चीजें हम क्लास 12 में देखेंगे। तो ये इंटरफेरेंस है, लाइट भी इंटरफेरेंस शो करती है और जब लाइट इंटरफेरेंस शो करती है, इस फिनोमेना को शो करती है, तो इसका मतलब लाइट में वेव नेचर भी है। देखिए आप फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई बंदा है, मान लीजिए वो मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो हिंदी अच्छी नहीं पढ़ा पाएगा, उसमें दोनों क्वालिटीज होंगी। तो वही चीज लाइट में भी है कि भाई ये वेव नेचर का भी हो सकता है, ठीक है, और ये पार्टिकल नेचर का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कौन सी कंडीशन है। अब देखिए पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का जो फिनोमेना है, अगर आप उस लाइट पोलराइज की जा सकती है, अभी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाऊंगा, लाइट पोलराइज की जा सकती है, ठीक है। तो जो पोलराइजेशन का फिनोमेना है इसको भी आप वेव थ्योरी से ही समझ सकते हैं। देखिए जरा पोलराइजेशन में थोड़ा सा देखते हैं, a light wave that is vibrating in more than one plane is referred to as unpolarized light। देखिए फ्रेंड्स यहां पे आप समझ सकते हो, लाइट एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट करती है, ये देखिए ये इस प्लेन में भी वाइब्रेट, ऐसे आप समझ सकते हो, ये इस प्लेन में भी वाइब्रेट करेगी, ये इस वाले प्लेन में भी वाइब्रेट करेगी, ये इस प्लेन में भी वाइब्रेट करेगी, ये इस प्लेन में भी वाइब्रेट करेगी, जितने भी प्लेन हैं आसपास ये एक से ज्यादा प्लेन्स में वाइब्रेट करती है। अभी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी लाइट को आप अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हो, बट पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, पोलराइज्ड लाइट ऐसी लाइट होती है जिसमें लाइट वेव्स के जो वाइब्रेशन है वो बहुत सारे प्लेन्स में नहीं होते, वो केवल एक प्लेन्स में होते हैं। और अनपोलराइज्ड लाइट को आप पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर सकते हो। देखिए मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाता हूं, समझाता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइट सोर्स है, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। एक तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बात को समझिए थोड़ा सा, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखिए वाइब्रेशन हो रहे हैं लाइट के, और एक वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेशन हो रहे हैं लाइट के, ये देखिए ये वर्टिकल प्लेन में और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और मैंने यहां पे पोलराइजिंग फिल्टर लगा दिया, ठीक है। पोलराइजिंग फिल्टर क्या करेगा, जो हॉरिजॉन्टल वाली वेव्स हैं उसको ब्लॉक कर देगा, ये देखिए जरा हॉरिजॉन्टल वाली जो वेव्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया और हमारी वर्टिकल वाली पास होगी, बिकॉज़ देखिए पोलराइजिंग फिल्टर में देखिए वर्टिकल कॉलम आपका खाली और हॉरिजॉन्टल वाली आपकी ब्लॉक होगी। तो इस तरीके से जो लाइट निकली है, अब इस लाइट का आप खुद ही नेचर चेक करिए, देखिए केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल में, दोनों में ही वाइब्रेट कर रही है, केवल वर्टिकल में, यस, देखिए अब वेव्स केवल वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, हॉरिजॉन्टल वाला ब्लॉक हो गया। मतलब अब आप बोलोगे कि लाइट केवल एक प्लेन में ही वाइब्रेशन कर रही है, लाइट की जो वेव्स है वो केवल एक प्लेन में वाइब्रेशन कर रही है। तो इस तरीके से हमने अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर लिया, और अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज करने का जो फिनोमेना है उसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन फिनोमेना का अगर आपको समझना है तो आपको लाइट को एज अ वेव अज्यूम करना होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं जरा आगे, ये पोलराइजेशन है हमारा। देखिए अब नेक्स्ट जो थ्योरी दी गई लाइट की वो दी गई पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी में क्या बोला गया,
light is composed of particles called photons, which travels in a straight line at very high speed, swinging to 10 to the power 8 meter per second. It explains phenomena of reflection and casting a shadow of objects by light. ठीक है, particle theory में friends ये बोला गया कि light जो है particles, छोटे-छोटे particles से मिलके बनी हुई है, ठीक है, और इन particles को हमने नाम दिया photon, ठीक है, इसको हम photon बोलते हैं. पार्टिकल थ्योरी की हेल्प से कुछ फिनोमेनास को आप समझ सकते हो, जैसे कि इस चैप्टर में हम, हमारे सिलेबस में भी है, इस चैप्टर में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे अगर फिनोमेना समझने हैं तो आपको लाइट को क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि लाइट किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी. तो ये वाला जो सेक्शन है पार्टिकल थ्योरी वाला, ये हम क्लास 10th में करेंगे, और जो ऊपर वाला सेक्शन था वेव थ्योरी वाला वो हम क्लास 12th में करेंगे. ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चैप्टर में धीरे-धीरे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से पार्टिकल थ्योरी की हेल्प से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, अच्छा कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे इस टॉपिक का, लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर. ये आपको याद रखना है, लाइट का नेचर ड्यूअल, लाइट ड्यूअल नेचर की होती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ये वेव नेचर की भी होती है. वेव नेचर की कब हो सकती है, जब आपको डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन जैसा फिनोमेना समझना होता है, तो लाइट वेव नेचर की होती है. और लाइट पार्टिकल नेचर की कब होती है, जब आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसा फिनोमेना समझना होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे क्लास में देखेंगे. ओके, थैंक यू.